हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। इस वीडियो में आप लोग ये सीखें, जैसे कि ये बड़ी मशीन है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि नीचे की सिलाई बहुत ज़्यादा ख़राब दे रही है। हम देखिए, ये आपका ऊपर की सिलाई और इसका नीचे दिखा देते हैं, और ये आपका नीचे की सिलाई, मतलब ये इतना ज़्यादा ये नीचे की सिलाई ख़राब दे रही है। तो अगर आपकी मशीन में इस तरह से नीचे से इतना ज़्यादा सिलाई ख़राब दे, तो आप क्या करेंगे? आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे और आपको लगता होगा, यार मेरी मशीन तो इतनी ज़्यादा सिलाई ख़राब दे रही है, अब हम क्या करें। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और आप लोग सोचने लगते हैं कि ये जो टेंशन है, ये ख़राब है, ये स्प्रिंग ख़राब है, यहाँ से बहुत ज़्यादा आप टाइट करते हैं और ढीला करते हैं, टाइट करते हैं, इसको न्यू लगाते हैं, उसके बाद भी आपकी मशीन सिलाई सेम ऐसे ही रहता है, सही नहीं होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, नीडल लगाते हैं। आप लोग सोचते हैं ये कहीं प्लेट में कोई प्रॉब्लम है, सेटल में प्रॉब्लम है, आप बाबिन केस को चेंज करते हैं। इतना सब करने के बाद भी आपकी मशीन में ये सिलाई सही नहीं होती है। अगर इसी तरह से रहती है तो इस वीडियो में आप लोग ये सीखेंगे कि अगर ये सब कुछ करके देख लिया, नीडल चेंज कर लिया, इसको बाबिन केस को, उसके बाद भी सही नहीं हो रहा है, तो ये कहाँ से कैसे सही करना है, इस वीडियो में आप लोग बहुत आसानी से सीखने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सिलाई मशीन से रिलेटेड हर एक वीडियो देखने के लिए, सीखने के लिए। देखिए बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, और ये जो काम है ये सभी को मालूम नहीं होता है, बहुत कम लोग जानते हैं। इसके लिए केवल आपको इस तरह से एक छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर चाहिए, और ये जो प्रॉब्लम है ये आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं जानता है इसके बारे में कि ये कैसे कहाँ से सही करना है, क्योंकि ये जो काम है ये वही जानता है जो मैकेनिक रहता है, अच्छा रहता है, जिसे मालूम रहता है मशीन के हर एक पार्ट्स के बारे में, उसको अच्छे से नॉलेज रहता है, उसी को मालूम रहता है कि अगर इस तरह से सिलाई ख़राब है तो उसको कैसे सही करना है, बनाना है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको ये सीखने को मिल रहा है। केवल आपको इस तरह से ये छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर चाहिए और आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने यहाँ से भी सही कर लिया, यहाँ से टाइट कर लिया, अगर टाइट कर लिया, सफाई कर लिया, यहाँ से धागा थोड़ा सा टाइट आना चाहिए, बस केवल आपको ये सेट करना है। बामी केस का धागा हल्का सा बस टाइट आना चाहिए, बस ये सेट करना है, न्यू नीडल लगाना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट क्या करना है, और ये ऐसा काम है केवल मैकेनिक ही करता है, मैकेनिक ही उस सेटिंग को सही करता है, बाकी कोई लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में जो हम बताने जा रहे हैं आपको, क्योंकि ये जो काम ऐसा है केवल मैकेनिक ही करता है और बाकी कोई लोग नहीं करते हैं, किसी को पता भी नहीं होता है। बहुत सारे मैकेनिक भी नहीं जानते उस सेटिंग के बारे में, वो बस यहीं से सही कर लेते हैं, बामिन केस से ही सही कर लेते हैं। लेकिन इस वीडियो में आप लोग यही सीखने वाले हैं कि केवल इस तरह से छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर से और यहाँ से स्कीम से सेटिंग करना है। बहुत सारे लोगों को मालूम है कि केम से भी ये सिलाई ख़राब देती है, और बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्हें मालूम नहीं है कि केम से भी ये इस तरह से सिलाई आती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मशीन को इस तरह से करना है, मशीन को इस तरह से करने के बाद ये जो ढक्कन है ऐसे करना है, और यहाँ पे ये जो केम दिखाई दे रहा है, ये जो केम दिखाई दे रहा है, ये केम से आपको सेट करना है। अगर आप ये केम से सही कर देते हैं तो आपकी मशीन जो नीचे की सिलाई ख़राब दे रही है बहुत ज़्यादा, वो सही हो जाएगी बहुत आसानी से। तो हम क्या करेंगे, ये जो दो पेच लगा हुआ है, इन पेचों को खोलना होगा, और यहाँ से आपको क्या करना है, इस पेज को खोलने के बाद ये जो केम है इसको नचाना है। यहाँ देखिए, जैसे हमने इसको खोल दिया, और इस केम को आप चाहें तो उधर करिए, यहाँ पे करिए, ऐसे राइट करिए या फिर लेफ्ट करिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम राइट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे ये जो पेज है, इस पेज को ऐसे टाइट कर देना है। और यहाँ देखिए, ये जो केम है, जब आप इस पेज को खोलेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये आगे पीछे ऐसे हो रहा है, यहाँ देखिए ये सही है। इस तरह से करने के बाद आपको एक चीज़ का सेटिंग देखना है, ये जो केम है अंतर, इसमें ऐसे पले होना चाहिए, और ये जो आपका चिमटा है इसमें भी इस तरह से ऐसे पले, ऐसे जब आप ऐसे हिलाएंगे तो इसमें पले होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस केम को ज़्यादा ऐसे आगे पीछे कर देंगे तो आपकी मशीन जाम चलेगी, आवाज़ करेगी। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपका चिमटा है इसमें ऐसे देख लेना है, ऐसे पले बस ऐसे होना चाहिए, कैसे, इस तरह से ऐसे हिला के देखना है, ये इस तरह से इसमें ये पले होना चाहिए, अगर पले है तो सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इस केम को हमने थोड़ा सा ये इधर राइट साइड कर दिया, अब हम क्या करेंगे, ये जो पेच है इस पेच को टाइट कर देंगे। तो यहाँ से हम आसानी से ये जो आपका पेच है इस पेच को हम टाइट कर देते हैं भाई, देखिए हमने इस पेच को टाइट कर दिया, और ये जो दूसरा वाला पेच है, आपका दूसरा वाला पेच है, इसको भी आप टाइट कर दीजिए। यहाँ देखिए हमने टाइट कर दिया, देखिए हमने टाइट कर दिया। अब हम इस मशीन को चेक करके दिखाते हैं आपको सिलाई, अब ये सही होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम केम से था, हमने केम से सही कर दिया, यहाँ से हमने कुछ नहीं बताया, बाबिन केस से कुछ नहीं बताया, क्योंकि ये सेटिंग केम से प्रॉब्लम था, केम की वजह से ये सिलाई ख़राब दे रही थी, इसलिए हम आपको ये केम से बता रहे हैं, डायरेक्ट केम से बता रहे हैं। अब हम इसको सिलाई करके दिखाते हैं और आप लोग सिलाई देखिए इसका, तो चलिए भाई इसको हम चलाते हैं। यहाँ देखिए, देखिए इसको हम चला रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो आपका कपड़ा है, यहाँ देखिए ये सिलाई बिल्कुल ऊपर का सही है,
नीचे देखिए ये आपका सही हो चुका। हमने इसमें कोई भी कलाकारी नहीं किया, केवल केम से सेटिंग किया। अगर आपकी मशीन में अगर इस तरह से सिलाई खराब आ रही है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको टेंशन से सेट करना है। ये जो टेंशन स्प्रिंग है यहाँ से बाबिन केस से सही करना है। अगर वहाँ से हो जाता है तो सही है, अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट केम पे जाना है। आप देखिए यह आपका ऊपर का सिलाई और यह आपका नीचे की सिलाई। आप देखिए यह आपका नीचे की सिलाई। चलिए साफ जगह यहाँ पर हम दूसरे कपड़े चला देते हैं, यहाँ पर इस साइड चला देते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चले सिलाई। आप देखिए देखिए सिलाई हो गया। आप देखिए यह आपका ऊपर की सिलाई और यह आपका नीचे का, इसको निकाल के दिखा देते हैं सिलाई। आप देखिए यह आपका ऊपर की सिलाई और यहाँ पे यह नीचे की सिलाई। तो इस तरह से भाई आप लोग बहुत आसानी से सही कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल इस तरह से ये छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर चाहिए। यहाँ से आप टेंशन से सेट करिए, बाबिन केस से सेट करिए। अगर नहीं होता है तो डायरेक्ट आप इसके केम पे आ जाना है, केम से सही करना है, सही हो जाएगा। सिलाई बिल्कुल सुंदर अच्छी देगी जिस तरह से ये दे रही थी। यहाँ देखिए ये ऊपर की है और ये है आपकी नीचे की। और पहले देखिए ये कितना ज़्यादा ये ख़राब आ रहा था पहले ये इस तरह से। अगर आपकी मशीन में अगर इस तरह सिलाई ख़राब देगी तो आपका कपड़ा थोड़ा सा भी नहीं चलेगा और आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। यार अब हम क्या करें, मैकेनिक पास जाएंगे आएंगे वो पैसा लगेगा और बहुत सारा समय वेस्ट होगा। तो इस तरह से जिस तरह से हमने बताया है बनाया है, केवल आपको छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर चाहिए। आसानी से वीडियो को 2-3 बार 4 बार रिपीट करके देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सिलाई मशीन से रिलेटेड और एक वीडियो देखने के लिए सीखने के लिए। और ये जो हमने सेटिंग बताया ये सभी को नहीं पता होता है, सभी लोग ये सेटिंग नहीं बताते हैं क्योंकि सीक्रेट सेटिंग है। और यहाँ से चाहे जैसे भी सिलाई ख़राब हो अगर आप केम से सेटिंग कर देते हैं तो आपकी मशीन बिल्कुल सुंदर सिलाई देने लगेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल अच्छी सिलाई देगी। तो इस तरह से बनाइए, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।